हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे मूली के पत्तों की मुरबाती। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे मूली के पत्तों की मुरबाती, और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही कम मसालों में बनती है। तो यहाँ पर मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने मूली के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया है, मूली को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है, छील लिया है। अब हम मूली को और मूली के पत्तों को दोनों को बारीक काट लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मूली को और मूली के पत्तों को बारीक कट कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा रखी है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के हिसाब से तेल, और तेल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन की कलियां। अब डालेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई, दो चुटकी हींग। अब डालेंगे हम मूली के पत्ते, अच्छी तरह से चला लेंगे। अब डालेंगे हम मूली, इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। अब डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच नमक, नमक भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। पाँच मिनट के लिए इसे हम धीमी आंच में पकने देते हैं, ढक देते हैं इसे। बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे, चला लेते हैं। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मुरबाती भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हल्दी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली बहुत आसान सी रेसिपी है। मूली के पत्तों की मुरबाती बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, और इसे आप रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी अपने घर में बनाइए। थैंक यू।